नमस्ते, प्रणाम। विशाल दुबे। आज हम लोग काली धूमे राग चंद्र कौन सा है इसका। अच्छा, रागों के बारे में मुझे ज़्यादा पूछना मत, क्योंकि मुझे पता नहीं था। ये सब बेसिक राग जो मुझे थोड़े बहुत सिखा रखे हैं मोहम्मद ताहिर जी ने खासतौर से। तो जैसे वॉइस कल्चर मुझे उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब ने सिखाया है, तो वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। ये सब जो रागों के बारे में मुझे मोहम्मद ताहिर जी ने बताया, तो इसका चरण मतलब मुझसे पूछना। मैं सिर्फ उससे इस्तेमाल कर सा गा मा धनी सा रे गा मा गा सा, ये इसका और अब वो का चलन नहीं है पर इसके सुर है। सा मत करना, सा भी मत करना, सा जैसे मैं बात कर रहा हूँ सा। गला हिलने देना, हिलता है तो कोई बात नहीं, मेरा भी गला हिलेगा। करते रहो, मैं बात करूँ, मैं बात करूँगा, आप करते रहो। सा लगाओ, आज मैं सा पे नहीं जा रहा। सा सा मत करना, बीच सा करते रहो, शर्माना मत अगर गला हिले तो। रियाज का मतलब शो ऑफ करना नहीं है, रियाज का मतलब गलतियाँ अपनी ठीक करना है। गलती अगर मेरे से अगर मेरी आवाज़ में सब कुछ सही आ रहा है तो मतलब मैं रियाज नहीं कर रहा, ठीक है। रियाज गलतियाँ पकड़ने के लिए होता है। मुँह खोल के करते रहो। इसकी सुना ऊपर जाते हैं और जिन लोगों को थोड़ा कंट्रोल और आ गया है वो ये करें याद रखना। ये नहीं होना चाहिए। कर सकते बैलेंस, जब आप सुई रख देंगे या छोटी सी कोई चीज पिन रख देंगे तो बैलेंस ही कर पाएंगे, गिर जाएगी फटाफट। तो वैसे ही जब आप सॉफ्ट आवाज़ में रियाज करते हैं तो आपकी आवाज़ हिलती है भयंकर, तो घबराने की बात नहीं है, हमको उसको वहीं पे पकड़ना, ठीक है। सी कैसे हिल रही है, ये कंट्रोल कर लिया अगर तो बड़े बैम्बू भी हाथ में आ जाएगा, समझे, जैसे जो हम बड़ा स्टिक के साथ में बैलेंसिंग करते हैं। याद रखना, मुंह खोल के
ये मत करना। सीखने के बाद में करना ठीक है, जब रियाज कर लो उसके बाद में ये गाना ठीक है, ये बहुत अच्छा स्टाइल लगता है। ये बाद के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, कर सकते हो। बड़े बड़े खान साहब ऐसा गाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। पर रियाज वो ऐसा नहीं करते, रियाज नहीं करते वैसे वो। याद से नहीं याद रखना, ये याद रखना। तक लगे गले में। बहुत लगता है, बड़ा सिंपल चीज है, मुझे भी तकलीफ हो रही पड़ते हुए। ये सिंपल सिंपल चीज़ें करना ज़्यादा मुश्किल है, गाना गाना कभी कभी आसान हो जाता है। आप देखो आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, लेकिन सही वॉल्यूम में बोलना। अगर आप सही समझ रहे हैं तो मालूम पड़ेगा कहाँ पे बैलेंस में बोलना चीज़ बहुत मुश्किल काम है। जैसे आपने एक ओनली सिंगर्स या म्यूजिशियन समझ पाएंगे जो मैं कह रहा हूँ। जैसे हम खाना परोसते हैं ना, हम खाना लेते नहीं, हम खाना परोसते हैं, तो गले से आवाज़ ऐसी पर ऐसी आनी चाहिए, समझे आप। मुसाफिर किशोर कुमार जी की आवाज़ में ऐसी परस्ते थी आवाज, समझे। तो अब डबल करेंगे। पूरा 12 मात्रा की ताल है, बोलते हैं इसको एक ताल, लेकिन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके बोल ऐसा है, धागे 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 धागे
यू विल सी, ये सब जो मैं करा रहा हूँ ये रैंडमली नहीं करा रहा, ये जो गा बोलते हैं आप, गा गा आपका यहाँ से आप देखिए, हाँ में अलग होता है, हाँ हाँ हम हमने किया था हम याद है, अब ये गा 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 सा गा 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 गा, जितनी बार बोलोगे उतनी बार गा बेटर आएगा और गला अच्छा होगा, गा गा गा, I can see the change in my own voice कटे हुए, गा 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 गा, लंबा करो, you guys should make aim to look at the eye level, okay? चलो एक जाने से पहले एक हम लोग थोड़ा खुली आवाज भी करते, ओके? तो ये सा नहीं करना प्लीज, गला खराब लगेगा, मुझे भी नहीं करना चाहिए शुरू, सिंपल सा सा sa 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 karte raho sa sa yaad rakhna sa aur sa bhi nahi karna, aap dekh rahe ho main kaise kar raha hu, Nisa kana na nisa sa sa sa, abhi hum lamba khichenge, okay? 2 3 1 sa sa sa, आ
रियाज में अगर प्रार्थना ना आए तो वो रियाज अधूरा है। ना हो नॉलेज, ना हो रागों का पता, ना हो तालों का पता, बस ह्यूमिलिटी हो, समझ हो, सरेंडर हो, और ये पता हो कि किसी कारण से मुझे आवाज़ मिली है, किसी कारण से मैं गा सकती हूँ, गा सकता हूँ, किसी कारण से मैं नहीं गा सकती, मैं नहीं गा सकता, पर मुझे सुर की समझ है। मैं कोई इंस्ट्रूमेंट अच्छा बजा लेती हूँ तो बजा लेता हूँ, जो बाकी लोग नहीं कर पाते। ज़िंदगी में जादू, मैजिक, चमत्कार का अनुभव कर पाओगे जब आप सरेंडर मोड पे जाओगे, जब आप नतमस्तक होके समर्पण में जाओगे। सिर्फ चालाकी नहीं कर रहे हुए हरकतों की, मुर्कियों की, पलटों की, जब आप वो सब करने के बाद में और साथ में एक अंदर, अपने ही अंदर जब आप समा जाओगे तो देखो आपके रियाज क्या रंग लाता है, क्या मजा आता है। सक्सेस यही है, बहुत अच्छे गाने मिलके लोगों से तारीफ ना मिलना, या लोग तुम पर ये ताने कसने की इस जैसे बेसुरे को इतना काम मिला कैसे। इससे अच्छा तो ये है कि आप सुर में हो और दुनिया बेसुरी हो, बेहतर है ना। सो मेक श्योर कि तुम खुद सुर में हो, तुम खुद श्रद्धा में हो, तुम खुद समर्पण में हो। ओके, लाइफ को सीरियसली, सिंसियरली, सीरियसली नहीं, सिंसियरली जीने की हम सब कोशिश करें। चलो।